बोलिए जगत शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में शांति हो। विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। धर्म सम्राट जगत शंकराचार्य भगवान की जय हो। ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी राम की जय हो। हर हर महादेव। भगवान ने
अमृत भक्षण किया और जब माता ने उनसे मुख खोलकर दिखाने के लिए कहा तो मुख में माता ने समस्त विश्व को भगवान के मुख में ही देखकर ये निश्चय कर लिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, यह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मैं इसकी माया से मोहित होकर स्वयं को नंदरानी मान रही हूं और ये गोपी और गोधन मेरे हैं, ऐसा समझकर और ये मेरा बेटा है ऐसा समझी हूं मैं उनकी अब शरण में जा रहा हूं। हाथ जोड़कर भगवान की शरण में जाती हैं। भगवान उनके इस ज्ञान को अपने मनोहर मंद मुस्कान से फिर हर लेते हैं। वैष्णवी वितरोन माया पुत्र स्नेहमयी प्रभु प्रभु सर्वसमर्थ भगवान पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का विस्तार उनके हृदय में कर देते हैं। भक्तों को लीला के लिए भगवान के महात्म का विस्मरण आवश्यक रहता है। प्रेम भक्ति का भगवान के प्रति निश्चल निश्चल अव्यवहित निरंतर प्रेम को ही भक्ति कहते हैं और उस भक्ति का उदय भगवान की लीला कथा के श्रवण से होता है। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि आसक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है, पाश है। प्रसन्न मजरम पाशम आत्मन कवियो विदु, कहीं भी आसक्ति हो जाना यही तो मनुष्य का बंधन है, अन्यथा कौन किसको मानता है। सभी तो स्वतंत्र है, जहां कहीं अपने मन में किसी प्राणी या पदार्थ के प्रति राग उत्पन्न हो गया वह राग ही बंधन होता हो जाता है। किसी कवि ने कहा है